गाइस वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल। सेल्फी लेना अब कॉमन कल्चर बन गया है पूरी दुनिया में। लगभग आज ज्यादातर लोगों के पास मोबाइल फोन है जिसमें कई सारे मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा लगे होते हैं। उसकी मदद से आप दुनिया के किसी भी कोने में आप अपनी सेल्फी लेकर आपकी जिंदगी की अच्छी मेमोरी को स्टोर कर सकते हो। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि दुनिया की पहली सेल्फी कब और किसने ली थी? आइए हम बताते हैं आपको और आपको फोटो भी दिखाते हैं जिसे दुनिया की पहली सेल्फ पोर्ट्रेट कहा जाता है, जिसे आज के दौर पे हम सेल्फी कहते हैं। और साथ में ये भी जानते हैं कि सेल्फी स्टिक का इन्वेंट किसने किया था। तो मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में एंड तक। मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होम स्टेट में। इसी तरह के इन्वेंशन के ऊपर बेस्ड वीडियो हर हफ्ते लेके आता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। सेल्फी स्टिक पिछले कुछ वर्षों से काफी ट्रेंडिंग में और काफी पॉपुलर हो लोगों के बीच। लेकिन हिरोशी युएदा नाम के एक शख्स ने कैमरा कंपनी में काम करते हुए 1980 में ही इसका आविष्कार कर लिया था। न्यूज चैनल बीबीसी के अनुसार हिरोशी युएदा ने उस समय कैमरा बनाने वाली कंपनी मिनोल्टा के लिए काम करते हुए सेल्फी स्टिक को इन्वेंट किया था। हिरोशी युएदा खुद भी फोटोग्राफी के काफी शौकीन थे। बीबीसी की एक वेबसाइट पर ब्रॉडकास्टिंग रिपोर्ट में हिरोशी युएदा की ओर से कहा गया है कि एक बार जब मैं पेरिस के लोरे म्यूजियम में था तो मैंने एक बच्चे को हमारी तस्वीर खींचने के लिए कहा था, लेकिन उसे कैमरा थमाकर जैसे ही मैं पीछे आया तो वो मेरा कैमरा लेकर भाग चुका था। हिरोशी युएदा ने इसके बाद बढ़ाई जा सके मतलब एक्सटेंड की जा सकने वाली एक स्टिक का इन्वेंट किया जिसमें आगे की ओर ट्राइपॉड स्क्रू फिट किया गया था। हिरोशी युएदा ने ये एक्सटेंडर स्टिक नए और छोटे कैमरों के लिए इन्वेंट की थी। हिरोशी युएदा ने कैमरे के आगे एक छोटा सा आईना लगाया जिससे कि फोटो खींचने वाले को ये पता लग सके कि वो कैसी तस्वीर खींच रहा है। इस एक्सटेंडर स्टिक को 1983 में पेटेंट करवाया गया, लेकिन इस खोज को कॉमर्शियली सफलता नहीं मिल सकी क्योंकि उस समय इसे अनावश्यक खोज माना गया था, मतलब इतनी इम्पोर्टेंट कोई खोज नहीं माना गया था उस टाइम पे इसे। 3 दशक के बाद आज वही सेल्फी स्टिक इतनी लोकप्रिय हो चुकी है कि उसे म्यूजियम और कॉन्फ्रेंस में ले जाने पर रोक लगानी पड़ी। कहा जाता है कि सेल्फी स्टिक को प्रेजेंट में जो पॉपुलरिटी मिली है उसको दिलाने के पीछे एक आदमी का क्रेडिट है जो कनाडा से बिलोंग करता है। उसका नाम है वेन फ्रोम। वेन 21st सेंचुरी के शुरुआत में क्विकपोड नाम से बड़ा किए जा सकने वाली एक हाथ में पकड़े जाने वाली स्टिक को विकसित किया। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि वेन हिरोशी युएदा द्वारा खोजे गए एक्सटेंडर स्टिक के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। बाद में वेन फ्रोम ने अपने पेटेंट में हिरोशी युएदा की एक्सटेंडर स्टिक का पहले से ही मौजूद डिजाइन का जिक्र किया है, लेकिन उनका मानना है कि सेल्फी स्टिक को मिली मौजूदा पॉपुलरिटी उनके द्वारा इवोल्व किए गए मॉडल के कारण ही है। वेन का कहना है कि यह मेरी खोज का नतीजा है और मैं इसका लिखित एविडेंस दे सकता हूँ। वेन द्वारा इवोल्व सेल्फी स्टिक को खूब खरीदा गया, लेकिन बाद में उसी डिजाइन को सस्ते स्टिक बनाकर दूसरी कंपनियों ने भी काफी मुनाफा कमाया। तो कुछ इस तरह से हुआ था सेल्फी स्टिक का इन्वेंट। अब आप मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में और ऊपर दिए गए पोल में कि आप हिरोशी युएदा और वेन फ्रोम में से किसे मानते हैं एक्चुअली में सेल्फी स्टिक का इन्वेंटर। मुझे बताना नीचे कमेंट सेक्शन में और ऊपर दिए गए पोल में। सेल्फी स्टिक के कुछ फैक्ट्स जानने से पहले, अगर आपने अभी तक होमस्टेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे ताकि होमस्टेट के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। सेल्फी स्टिक का पहला फैक्ट, एक दावा यह है कि पहली सेल्फी सन 1839 में खींची गई थी। अमरीकी फोटोग्राफर रॉबर्ट कॉर्नेलियस ने इस सेल्फी को खींचा था पहली बार। उन्होंने अपने कैमरे से अपनी फोटो खींचने की कोशिश की थी। सेल्फी स्टिक और सेल्फी का दूसरा फैक्ट, सेल्फी लेने की धमाकेदार शुरुआत साल 2011 में शुरू हुई थी जब एक मकाऊ प्रजाति के एक बंदर ने इंडोनेशिया में ब्रिटिश वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर डेविड स्लाटर के कैमरे का बटन दबाकर सेल्फी ली थी। सेल्फी स्टिक और सेल्फी का तीसरा फैक्ट, ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। सेल्फी इस शब्द का ट्रेंडिंग पिछले कुछ सालों में खूब बढ़ा है। पहली बार सेल्फी शब्द का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलियाई वेबसाइट फोरम एबीसी ऑनलाइन ने 13 सितंबर 2002 में किया था। टाइम मैगजीन ने साल 2012 में 10 ओरिजिनल शब्द में सेल्फी शब्दों को स्थान दिया था, और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने सेल्फी शब्द को साल 2013 में वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। सेल्फी और सेल्फी स्टिक का चौथा फैक्ट, दुनिया भर में होने वाली कुल मौतों में से आधे से ज्यादा भारत में हुई। ये साल 2011 से 2019 के दौरान का था। रिसर्चर ने सेल्फी को एक वक्त किल्फी भी कहना शुरू कर दिया था।
यानी कि अगर आप सेल्फी ले रहे हो तो इतना भी मशगूल मत हो जाओ कि सीधे फिर भगवान के पास ही सेल्फी लेने पहुंच जाओ। सेल्फी स्टिक और सेल्फी का पांचवा और आखिरी फैक्ट, आपको पता है डिस्कवरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेल्फी स्टिक साल 2014 में सबसे ज्यादा बिके जाने वाली स्टॉक में टॉप पे रहा था। तो दोस्तों बस आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि होम स्टेट के आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपको नए इन्वेंशन के वीडियो के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ईमानदार बने।